नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। आज का एपिसोड आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं RTSP के बारे में। RTSP एक ऐसा फीचर है जो आपके कैमरे का उपयोग, जो यूज़ आप कर रहे हैं, उसे और भी बढ़ा देता है। जी हाँ, इसके माध्यम से आप काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें आप कर सकते हैं, अपने IP कैमरे से अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आप सभी को वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले RTSP है क्या? रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जिसका सिंपल मतलब है कि यह लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके IP कैमरे DVR या NVR को लाइव करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके पुराने समय में अगर आप इसके उपयोग को देखते हैं, तो इसका जो उपयोग होता था वह होता था, आप कैमरे को ऐड कर सकते हैं, दूसरे ब्रांड के कैमरे को ऐड कर सकते हैं, यानी कि यह कह लीजिए कि अल्टरनेट या ऑनविव का एक ऑप्शन होता था। तो कुल मिला के RTSP यह है, लेकिन RTSP का उपयोग आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, चलिए अब वो जानते हैं। देखिए, RTSP का जो सबसे पहला यूज़ है वो आप सभी ने समझ ही लिया है कि आप ऑनविव का अल्टरनेट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं इसमें। यानी कि ऑनविव प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता अगर आपका IP कैमरा, तो आप ऐड कर सकते हैं अपने NVR से, DVR से, आप RTSP के माध्यम से। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? ऑनविव में जब आप ऐड करते हैं तो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेटिंग, इवेंट, मोशन, सारी चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भाई साहब सिर्फ आप लाइव देख सकते हैं, आप यहाँ पर नहीं सेट कर सकते हैं ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, मोशन, इवेंट एटसेट्रा, यानी कि कोई सेटिंग्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लाइव देख सकते हैं RTSP फीचर्स के माध्यम से। दूसरी एक बहुत बड़ा उपयोग इसका क्या है कि आप एक अल्टरनेट जगह पर जो है आप इसका रिकॉर्डिंग सर्वर रख सकते हैं, यानी कि आप एक जगह पर लाइव कर रहे हैं, दूसरे जगह पर वो रिकॉर्ड हो रहा है, तीसरे जगह पर वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अलग अलग जगह पर आप रिकॉर्डिंग बैकअप स्पेस को आप यहाँ पर बना सकते हैं इस RTSP फीचर्स के माध्यम से। इसके अलावा जो VLC प्लेयर होता है उसमें भी आप लाइव व्यू देख सकते हैं। आपको याद होगा मेरा वो इजबिज वाला वीडियो, अगर आपने देखा है तो ठीक, अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि आप अपने इजविच के कैमरे को VLC प्लेयर में कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। VLC मीडिया प्लेयर में आप RTSP के माध्यम से बिना लॉगिन के आप उस कैमरे की लाइव व्यू को देख सकते हैं, और इसमें आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका कैमरा RTSP को सपोर्ट कर रहा है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर इसमें चल गया तो समझिए कि आपका कैमरा वो RTSP के फीचर्स को इनेबल कर लिया है और वहाँ पर चल भी सकता है, लाइव व्यू आप देख भी सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं RTSP के माध्यम से। तो आपको इसमें हेल्प मिलती है VLC प्लेयर के माध्यम से। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो उपयोग है इसका, रीब्रॉडकास्ट, यानी कि अपने लाइव स्ट्रीम को रीब्रॉडकास्ट आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें जो पब्लिक प्लेसेस वगैरह हैं, जैसे कि जू हो गया, बीचेस वगैरह कहीं पर होते हैं, या फिर मंदिर टेम्पल जैसे बाबा नगरी है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे कि नहीं हम इसको सार्वजनिक तौर पर लाइव कर देंगे, जो सिविलिंग जहाँ पर है, जहाँ पर कैमरा लगा, तो वो RTSP के माध्यम से कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक तरीका। इसके साथ साथ आप अपने कैमरे को अगर आप चाहते हैं कि अपने वेबसाइट में हम लाइव करना चाहते हैं, आपका कोई www.com कुछ भी है, आप चाहते हैं कि हम IP कैमरा या DVR या NVR को लाइव करें अपने वेबसाइट में, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका एक सबसे बड़ा साधन है RTSP, यानी कि ये फीचर्स रहेगा RTSP या RTMP तभी आप कर सकते हैं। तो ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप YouTube, Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप DVR, NVR को लाइव करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है RTSP या RTMP, वहाँ पर भी उपयोग किया जाता है। और एक सवाल आपने हमेशा पूछा था कि क्रिकेट मैच को कैसे लाइव करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका आंसर है ये RTSP, यानी कि आपका वो कैमरा RTSP प्रोटोकॉल जो है सपोर्ट करता हो, इस फीचर्स को सपोर्ट करता हो, तो ही आपका वह कैमरा लाइव हो सकता है, चाहे वो अपने वेबसाइट पर, चाहे अपने ऐप पर, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लाइव करवाना चाहते हैं। काफ़ी कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग RTSP जो एड्रेस होता है, यानी कि वेब एड्रेस होता है, वह बिल्कुल अलग होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में
आपको हिकविजन, डहुआ और जो बड़े ब्रांड हैं उसके कुछ RTSP के एड्रेस को मैं दे दूंगा, जिस तरीके से आप हिकविजन का आप कैमरे को लाइव करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या क्या टाइप करना होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं दे दूंगा आपको। वीडियो को पूरा देखने के लिए, वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।